को हाई कोर्ट से मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट में झूठे दस्तावेज पेश करने का मामला। बता दें कि हाई कोर्ट ने स्वयंभू बाबा आसाराम को जमानत दे दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पैरोकार की तरफ से झूठे दस्तावेज पेश करने के मामले में आरोपी को यह जमानत दी गई। हालांकि आसाराम अन्य मामलों में सजा के चलते फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। हाई कोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट से यह जमानत मिली है। अधिवक्ता नीलकमल बहोरा और गुलुक्लेश बहोरा ने अदालत में आसाराम का पक्ष रखा था। बता दें कि आसाराम को दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। गांधीनगर की एक अदालत ने इसी साल दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दुष्कर्म का यह मामला आसाराम के खिलाफ वर्ष 2013 में दर्ज हुआ था। हालांकि पीड़िता के साथ दुष्कर्म 2001 से 6 के बीच हुआ था। पीड़िता की बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साई के खिलाफ भी दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। इस मामले में नारायण साई को अप्रैल वर्ष 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अभी जिस मामले में आसाराम को सजा सुनाई गई, उनकी एफआईआर वर्ष 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में वर्ष 2001 से 6 के बीच कई बार दुष्कर्म हुआ था। पीड़ित महिला ने इस मामले में आसाराम और 7 अन्य लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और अवैध तरीके से बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में आसाराम के अलावा उनकी पत्नी और बेटी भारती को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि सेशन कोर्ट के जज डीके सैनी ने इस मामले में सिर्फ आसाराम को ही दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। बाकी 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि ट्रायल के दौरान ही अक्टूबर वर्ष 2013 में एक आरोपी की मौत हो गई थी। 24x7 लाइव टीवी की रिपोर्ट।